कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। जब से पैदा होते हैं एक ही बात सुनने को मिलती है, बेटा पढ़ लो, लिख लो, डिग्री ले लो, फिर तो ऐशी ऐश है। एक एवरेज भारतीय स्टूडेंट कम से कम 16 साल देता है अपनी लाइफ के एक डिग्री को पाने के लिए। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी वो डिग्री किसी काम की नहीं है क्योंकि आपको जॉब तो मिलेगी नहीं, तो आप शायद मुझे ये बोलेंगे, पागल है क्या? चलिए मेरी नहीं माननी तो ये सुन लीजिए। अभी हाल ही में रिलीज की गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि IHD की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। अगर हम सिर्फ युवाओं की बात करें तो इस समय भारत में जितने बेरोजगार है उनमें से 83% युवा है यानी कि यंग लोग। मतलब डिग्री है तो आपकी जॉब लग जाएगी ऐसा आज के जमाने में जरूरी नहीं है। पर ऐसा हो क्यों रहा है ये जानना चाहेंगे आप? हमारे देश में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी ज्यादा बड़ी हुई है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेरोजगार लोगों की संख्या के बीच इस समय 83% ऐसे हैं जो युवा लोग हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि IHD की इस साल की अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने 26 मार्च को जारी किया। इन आंकड़ों के हिसाब से जिन युवाओं के पास कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन है उनके बेरोजगारी के दर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां साल 2000 में इस ग्रुप का बेरोजगारी दर 35.2% था, वही अब बढ़कर 65.7% हो गया है। वहीं सेकेंडरी एजुकेशन के बाद लोगों में स्कूल छोड़ने के दर भी बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े गरीब और गरीबी के मार्जिन्स वाले राज्यों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जिन राज्यों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब दिखाई दी थी वो थे UP, बिहार, MP, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। हालांकि इन राज्यों की रीजनल पॉलिसीज की वजह से यहाँ की स्थिति काफी सालों से खराब चल रही है। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे, इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। हैरानी वाली बात है पर आज का सच ये है कि अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी दर 0.6% है जबकि ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 17% से भी ज्यादा है। साल 2000 और 2019 के बीच यूथ एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई लेकिन COVID-19 पैंडेमिक के दौरान इसमें गिरावट देखी गई। हालांकि एजुकेटेड यूथ ने इस टाइम पीरियड के दौरान काफी हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का अनुभव भी किया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साल 2000 से 2019 के बीच भारत में बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पर पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखी गई है जिस कारण इंडिया के वर्कफोर्स में आने वालों की संख्या भी बढ़ी है पर उसी लेवल पर जॉब्स नहीं बनाई गई है जिस वजह से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आए दिन देखने को मिलती है। हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है जिसे नेशनल एसेट, इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाने और बढ़ाने का सोर्स कहा जाता है, यहाँ तक कि विदेशी कंपनीज भी हमारे देश के युवा को टारगेट करती है उनके स्किल सेट को ध्यान में रखते हुए, वही युवा आज एक रेगुलर पेइंग जॉब को मोहताज है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स में पाई गई है जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्रुप था। 2022 में ऐसी महिलाओं के नंबर्स पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थे जो ना तो कोई नौकरी कर रही थी और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही थी। युवा महिलाओं के बेरोजगार होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से जहां पुरुषों की संख्या मात्र 9.8% थी वहीं महिलाओं की संख्या 48.4% थी। इसे 20 से 24 वर्ष और 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भी शामिल है। भारत में इस समय अगर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या तो इनफॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल जॉब्स मतलब डिलीवरी बॉय सर्विसेज, कैब सर्विसेज या फिर किसी भी और अन्य प्रकार का शॉर्ट टर्म काम जिसमें ना तो ज्यादा स्किल सेट या डिग्री की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा नियम कानून, मतलब आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना होगा।
पर इसका नुकसान ये भी है कि आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वहीं अगर हम बात करें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या औपचारिक रोजगार की, जिसे आप वर्किंग क्लास तबका या नौकरी पेशा वाले लोग भी कहते हैं, तो उनकी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। साल 2000 के बाद से औपचारिक रोजगार का अनुपात लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2018 के बाद इसमें भारी गिरावट आई है। साल 2000 से 2022 के बीच फॉर्मल जॉब्स या औपचारिक रोजगार कर रहे लोगों की संख्या मात्र 10% रही, जबकि 90% लोग या तो अपना काम कर रहे हैं या फिर अनौपचारिक रोजगार यानी कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि नौकरी पेशा वाले लोगों में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर काम कर रहे हैं। पर भारत जैसा देश जिसकी 50% से ज्यादा आबादी बिलो 25 इयर्स ऑफ एज है, जहां पर इतनी भारी मात्रा में युवा जनसंख्या है, वहां पर ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, आइए बताते हैं आपको। ILO की रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि अधिकतर युवाओं में जरूरी कौशल यानी कि बेसिक स्किल सेट की कमी है। इसका सबसे बड़ा कारण है व्यवहारिकता का अभाव, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस होता है उसमें अधिकांश रटने पर और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी पर फोकस होता है। हमारे देश में केवल दो विषयों साइंस और मैथ्स को महत्व दिया जाता है। लाखों भारतीयों का मानना है कि यदि आप इन दो विषयों में अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। और इस मेंटालिटी से अब ये हाल है कि 75% युवा ईमेल में अटैचमेंट के साथ डॉक्यूमेंट भेजने तक में सक्षम नहीं है। 60% युवा कंप्यूटर पर कॉपी पेस्ट जैसे बहुत ही सामान्य काम भी नहीं कर पाते। 90% युवाओं को स्प्रेडशीट पर गणित के फॉर्मूलास का प्रयोग करना नहीं आता। नागेश्वरन ने यह भी बताया कि फिलहाल नौकरियां देने का ज्यादातर काम सरकार कर रही है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस मामले में बढ़त लेने की जरूरत है। उसके साथ रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए पॉलिसीज में बदलाव की जरूरत है, ताकि आने वाले सालों में बेरोजगारी की ऑलरेडी लंबी लाइनों को और लंबा होने से रोका जा सके। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।